हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ मैं जो नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। इनका ज्यादातर टाइम मैं तो किचन में ही बिताती हूँ, तो उसको साफ रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम लोग अपना बेडरूम और गेस्ट रूम को साफ रखते हैं। वैसे मेरा किचन बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा है, तो जो छोटा सा किचन है मेरा उसी को मैं कैसे सुंदर तो नहीं बोल सकते, कैसे उसको सेटअप करके रखते हैं, उसको कैसे अरेंज करते हैं वो आप लोगों से शेयर करते हैं। खाना बनाने के बाद मेरा किचन का हालत कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं बोल सकते, बट आप लोगों को देख के समझ में आ रहा है कि किचन को मैंने यूज़ किया और उसके बाद साफ़ नहीं हुआ। तो मैं जानबूझ के ऐसा रखा है इसको ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कैसे मैं इसको खाना बनाने के बाद साफ़ करती हूँ हर रोज़। सुबह नींद से उठने के बाद ये झूठा बर्तन साफ करना और फिर खाना बनाना मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाता है, तो मैं जो करती हूँ वो है कि रात को मैं इसको धो के रखती हूँ। कितना भी अच्छा जॉब करते हो, घर का काम तो हर किसी को करना चाहिए, चाहे आप औरत हो मर्द हो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर का काम सबके लिए है। तो इसीलिए मुझे ये शेयर करने में भी कोई शर्म नहीं है कि मैं घर में जो काम करती हूँ, बर्तन धो रही हूँ, इसको मैं शेयर कर रही हूँ अपने ब्लॉग्स में, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा तो मेरा मानना है। आप लोग क्या सोचते हो, ऐसा लगता है आप लोगों को भी? मैं जैसे सोचती हूँ आपको भी ऐसा ही लगता है, तो जरूर कमेंट में बताना। भले ही हम रेंट पे रहते हैं पर जिनका घर है उनका घर साफ तो रखना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि घर भले ही हमारा ना हो बट हम रहते हैं, तो जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह को भी साफ सुथरा रखना हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो इसलिए मैं इसको भी एक बार, किचन कैबिनेट को भी एक बार साफ कर लेती हूँ। तो गाइस, बर्तन धोने का काम तो कंप्लीट है। यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर रखा है इसको थोड़ी देर के लिए, फिर इसको अंदर रख देंगे इसके जगह पे। बट सिर्फ बर्तन धोने से किचन साफ नहीं होता, क्योंकि जहां पे हम लोग खाना बनाते हैं हर रोज, ये ओवन, इसको भी साफ करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट उसको करने से पहले मैं अपना ये जो सिंक है इसको थोड़ा एक बार साफ कर लूंगी। Thank you.
अवन है और अवन के साथ साथ ये जो किचन टॉप है ना, इसको भी एक बार साफ कर लेते हैं, अदरवाइज कॉकरोच वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं दैट आई डोंट वांट, तो इसलिए मैं इसको भी एक बार साफ कर लूंगी। पता है अभी मुझे किचन साफ करते वक्त एक बात मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहा है, आज से एक दो साल पहले की बात है, जब मेरा नया नया शादी हुआ था तो उस टाइम हम लोग गांधीनगर में थे, तो वहां पे हमारा कुछ बंगाली नेबर्स भी थे, तो उन लोगों को मैं खाने पे, डिनर पे, लंच पे बुलाती थी और सब लोग आके मुझे ये बोलते थे कि रिमी जो भी तुम्हारा बेडरूम है, कुछ भी है, उसको छोड़ो, अपना किचन हमेशा साफ रखा करो। और मेरे से इतना हो नहीं पाता क्योंकि मैं बहुत आलसी थी, मतलब अभी भी हूं बट उस टाइम बहुत ज्यादा थी, और ये सब कभी शादी से पहले किया ही नहीं, तो कोई आइडिया भी नहीं था, टाइम मैनेजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, तो ये सब हो नहीं पाता उतना, मतलब बर्तन झूठा रह जाता था या फिर कभी धोती थी, किचन टॉप हमेशा गंदा रहता था, बर्तन वगैरह पड़ा रहता था, बहुत गंदा लगता था उस टाइम देखने में। तो वहां पे मेरा कुछ बंगाली नेबर्स जो थे ना, एक दिन ऐसा हुआ था वो लोग डिनर पे आए थे मेरे घर में और मेरा किचन इतना गंदा था, फिर उन लोगों ने खुद साफ करके दिया। दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी बट नाउ आई कैन फील हाउ इंसल्टिंग इट वॉज, तो मतलब सच में बहुत वो लगा था उस टाइम कि चलो किसी ने तो मुझे हेल्प कर दिया। बट अभी मैं ये किचन क्लीनिंग जो रूटीन है, मैं इसको शेयर करने से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। वैसे प्राउड होने वाले कुछ है नहीं, बट मेरा ये जो चेंज है, अपने आप का जो चेंज है कि घर का काम हमें खुद करना ही चाहिए, हर रोज करना चाहिए, ये शेयर करने में मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं बहुत प्राउड भी फील कर रही हूँ। आई होप उन लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा होगा या फिर देख रहे होंगे, तो उन लोगों को भी ये चेंज पता चल रहा है, आप पीछे का जो बैकग्राउंड मतलब मेरा किचन, ये देख के आपको पता चल रहा है कि नाउ प्रियदर्शनी इज रियली चेंज्ड। कल के लिए मुझे पानी भी भरना होगा, तो एक मिनट में एक्वागार्ड भी ऑन कर देती हूँ। वैसे ये तो किचन क्लीनिंग का कोई पार्ट है नहीं, बट नाइट टाइम को मैं ये हर रोज करती हूँ, क्योंकि हर रोज हम सुबह मॉर्निंग का शुरुआत होता है हमारा सोक टामन से, तो मैं इसको रात में भिगो के रखती हूँ। और ये हमारे सेहत के लिए भी काफी अच्छा होता है। फाइनली माय किचन क्लीनिंग रूटीन इज डन, या ये रहा मेरा किचन, अभी साफ सफाई हो गया, कल शांति से सुबह उठने के बाद इसमें खाना बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको इतना सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कुछ बताना हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ बोलना भी हो तो आप कमेंट जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, तो ये था मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ, मेरी तरफ से आप लोगों को ये छोटा सा रिक्वेस्ट एक था, तो आई होप इतना तो प्यार मुझे दोगे आप लोग। और क्या, बस आज कहानी यही तक, आज बस मुझे यही शेयर करना था कि मैं रात को कैसे किचन साफ करती हूँ, और कुछ नहीं, वीडियो को ज्यादा बिल्कुल नहीं लंबा करेंगे, आज वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, चल दिन टाटा।